प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जैसे कि आप जानते हैं कि कतर ने भारत के 8 नेवी ऑफिसर्स को रिलीज कर दिया है, जिनको फांसी की सजा मिली थी, जिसे भारत सरकार की एक बहुत बड़ी जीत बताया जा रहा है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। अब मुंह ने खा लिया खतर के ब्यूरोक्रेट और प्रेसिडेंशियल ने, आंख लज गया तो कहा कि नहीं, ये तो हमने पाकिस्तान और चाइना के कहने पर में तो मैंने ये उड़ा दिया था। अब हमारे अजीत डोभाल जी और डॉक्टर एस जयशंकर के जितने भी ब्यूरोक्रेट थे हमारे नेशनल सिक्योरिटी वाले, पहुंच गए खतर। हालांकि उस दौरान हमने देखा है कि फांसी की सजा, डेथ पेनल्टी लगने से पहले चाइना का बहुत दौरा खतर में हुआ था। उसके बाद फिर हमने देखा था कि पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट का दौरा हुआ था। इवन आपके मुनीम के नीचे जो लोग हैं वो लोग भी खतर जा करके वहां पर खिचड़ी विचड़ी पका रहे थे। ये सारी चीजें देख रहे थे हम भी। हर वो व्यक्ति नोटिस में रखा हुआ था जो देश से बहुत प्यार करता है, भारत से बहुत प्यार करता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भी ये सारी चीजें देख रहे थे। तो खतर बेचारा चाइना और पाकिस्तान के बहकावे में आ करके उत्तेजित होकर के हीरो बनने निकल गया। अब इसी दौरान हमने कनाडा का हाल देख लिया, खतर ने भी देख लिया कि जस्टिन ट्रूडो सारे विधवा हो गए। उसके बाद फिर हमने मालदीव्स भी देख लिया, फिर देखा जस्टिन ट्रूडो और खतर ने कि भैया ये तो हाथ में भीख का कटोरा दे दिया मोदी जी ने, और बोला भी कुछ नहीं, सिर्फ 4 तस्वीरें खिंचाई और मालदीव्स बर्बाद, कनाडा बर्बाद। अब कनाडा इतना ज्यादा कर्ज लेकर के बैठा हुआ है हमारा कि परेशान हो गया। फिर मालदीव्स को देखा गया कि भाई आलू नहीं है, प्याज नहीं है, पानी नहीं है। अब मालदीव्स मांग रहा है, हम दे नहीं रहे हैं, अब चलाओ अपने से अपने आप को। तो खतर को लगा कि भाई ये हमने गलत पंगा ले लिया है, ये अब नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और सोनिया के आंचल वाला सरकार नहीं है, ये भाई कट्टर हिंदू का सरकार है। और एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में भारत चल रहा है जो व्यक्ति फ्लड आने पर और अर्थक्वेक आने पर जानवरों को की जान बचाने के लिए भी अलग से सिक्योरिटी भेजता है, अलग से उनको सेफ करके लेकर आने के लिए ऑफिसर्स जाते हैं। तो जिसकी नजरों में जानवरों की इतनी मतलब वैल्यू है, तो उनकी नजरों में इंसान की कितनी वैल्यू होगी, जबरदस्त वैल्यू होगी। अभी कनाडा में ही जो कुछ हुआ, तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स थे या जो लोग भारत के रह रहे थे वो बड़े मजे में आ गए, हम लोग सेफली उसको लेकर के आए। उसके बाद फिर फिलिस्तीन और हमास का जो इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें भी हमारे जितने इंडियंस थे वो बहुत सेफली आ गए, किसी को एक खरोच तक नहीं आया। जो मीडिया वाले गए थे उन पर भी पूरी नजर हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की थी कि भाई आप करो, सारे न्यूज रिपोर्ट करो और आप आ सकते हो आराम से। उसको अच्छे से लाया गया। अब तो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने तो भाई कह दिया कि भाई हमारे यहाँ वर्कर आप भेजिए, हम नहीं नौकरी देंगे अब हमास वालों को, फिर हमारी बहू बेटियों को बलात्कार करेगा। तो ये या पिछले पीछे पीछे आप चले जाइए, जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वहां वहां से इंडियंस को लेकर के आना। मोदी जी ने 10 साल में एक भी जान को जाने नहीं दिया है, बिल्कुल जाने नहीं दिया है। तो जो इंसान इतना जिम्मेदार है, जो इंसान अपनी जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से पूरा करता है, जो इंसान अपनी जिम्मेदारी के लिए दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत कर रहा है, जो व्यक्ति पिछले 10 साल में 10 सेकंड की छुट्टी नहीं लिया है, जो व्यक्ति सुबह में इंडोनेशिया में दिखाई देता है तो रात में G20 की मीटिंग में सबको ऑनर करते हुए दिखाई देता है, जो व्यक्ति भारत को सिर्फ भारत राष्ट्र नहीं अपनी माँ का दर्जा देता है,
तो उस व्यक्ति का रहने वाला हर पुत्र और हर पुत्री की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधे पर उठाया हुआ है। तो ये जो जितने भी आग और पलीदा लगाने वाले कांग्रेस और अवेसी होते हैं, इनके मुंह में ऐसे ही कालिक लगती रहती है। देखिए कल जब लोग दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतर रहे थे तो भारत माता की जय का जो इन्होंने नारा लगाया है, और जितने आर्मी सात आए हैं, सात आ चुके हैं, आठवां जो है वो अभी ऑन द वे। ये लोग कह रहे हैं कि जो इंटरवेंशन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने किया है वो इंटरवेंशन अपने आप में एक इतिहास लिख चुका है, क्योंकि डायरेक्ट खतर के टेबल पर बैठ करके, लॉ डिपार्टमेंट के टेबल पर बैठ करके भारत के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने पूछा है कि सारे केसेस की फाइल यहां पर रखिए, अगर उन्होंने गलत किया है तो सजा बिल्कुल मिलेगी, और अगर गलत नहीं किया है तो कोई हमारे नेवीज ऑफिसर को सजा नहीं दे सकता। बड़ी बड़ी कहता हूँ कि बड़ी अच्छी एक इनकी ताकत के साथ जो है, ये इन्होंने बड़ी समझदारी के साथ अपनी प्लानिंग के साथ जो कतर को जो है उसको काबू में किया है कि वो पाकिस्तान और चाइना के कहने पर आकर ये सारा काम ना करें। और वो भी देख रहा है ना, जैसे आपने बताया कि मालदीव के साथ क्या हुआ, कैनेडा के साथ क्या हुआ, कि यानी जो भारत के साथ दुश्मनी लेता है उसका फिर वो बेड़ा गर्क ही होता है, और उसके साथ जुड़ने में ही जो है वो खैर है, वो भलाई है। आप देखें कि जिस तरीके से यूएई के अंदर कैसे हो रहा है कि वहां पर मंदिर भी अभी बन रहा है वो, भारत के साथ अपने रिश्तों को इस्तवार कर रहे हैं। इसी तरीके से मोहम्मद बिन सलमान, देखें वो भी भारत के साथ अपने रिश्तों को कैसे बेहतरीन से बेहतरीन कर रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया के साथ जुड़ना चाह रही है, इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बेहतर बनाना चाह रही है। जैसे फ्रांस के जो प्रेसिडेंट अभी हाल ही में वो विजिट करके गए, तो ये सारी चीजें तो देख रही है, सारी दुनिया देख रही है कि भारत जो है वो इस वक्त उसकी पोजीशन क्या है। और सबसे जो आपने अच्छी बात की कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो सारी अपनी जो दोस्ती दुश्मनी को एक साइड पर रखकर ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं। जैसे टर्की के अंदर जब जलजला आया तो सबसे पहले देखें वहां पर इमदाद पहुंचाने वाला कौन था, भारत था, नरेंद्र मोदी जी थे। तो ये सारी चीजें भी तो देखने वाली है ना, यही चीजें आपको दुनिया के अंदर लीडर बनाती हैं, यही चीजें आपको बाकी जो मुल्क हैं उनसे ज्यादा आपको मैं समझता हूँ कि मुमताज बनाती हैं, कि आप सारी दुनिया फिर तारीफ करती है कि ये देखें जी इंडिया का क्या रोल है, पूरी दुनिया के अंदर इंडिया एक अच्छे जो है रोल के अंदर जा रहा है। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मोदी जी की एक जो अभी मेरी एक बात हो रही थी एक इंडियन से ही, वो कह रहे कि जब से मोदी जी आए हैं पूरी दुनिया के अंदर हमारी रिस्पेक्ट में इजाफा हो गया है, हमारे पासपोर्ट की इज्जत में इजाफा हो गया, लोग हमें जब उन्हें पता चलता है कि इंडियन है तो हमारी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये 10 साल के अंदर जो तब्दीली आई है, एक जो चेंज आई है, जो जिसकी वजह से भारत की इज्जत भी बनी है और भारतीयों की इज्जत भी बनी है। हम देखें हमारे जो अभी आफिया सिद्दीकी अमेरिका की कैद में है, पाकिस्तानी है, हम उससे मुलाकात नहीं कर सकते, आप तो मौत के मुंह से अपने जो लोग हैं उनको छुड़ा कर ले आए हैं। तो ये फर्क है पाकिस्तान में और भारत में। तो बिल्कुल मैं आपकी बात के साथ एग्री करता हूँ। देखिए मुजफ्फर भाई, जब देश शिक्षित लोगों के हाथ में होता है ना और कर्तव्यों का पालन करने वाले लोगों के हाथ में होता है तो वो देश बहुत खूबसूरत होता है, बहुत खूबसूरत होता है। और आप हमारे कैबिनेट में जितने भी मिनिस्टर्स को देखिएगा, कैबिनेट मंत्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ भारत के हैं, हाईली एडुकेटेड है, हाईली तो उनके सोच बूझ का तरीका, उनके बात करने का तरीका, उनके उठने बैठने का तरीका, उनके ऑरा एकदम डिफरेंट होगा, एकदम डिफरेंट होगा। गोवा में जब G7 की मीटिंग हो रही थी तो आपने देखा होगा कि बिल्लो रानी आई थी, बिलावल उसका ऑरा, और बगल में हमारे जेम्स बॉन्ड जो हैं डॉक्टर एस जयशंकर खड़े हुए, एक शिक्षित आदमी और एक 72 वर्जन मूर का लालची आदमी, समझ में आ रहा था, साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब आप मुझे एक बात बताएं कि मुसलमान जो अपने आप को बहुत बड़ी अहमियत का हामिल बताता है, कहता है कि कुरान के हिसाब से वो जितने भी मुसलमान है वो अशरफुल मखलूकात है, जो मुसलमान 1450 साल में अपने साइज का पजामा नहीं पहन पा रहा है और शऊर तरीका नहीं आ पा रहा है, एडुकेट नहीं हो पा रहा है, वो कह रहा है कि वो अशरफुल मखलूकात है।
भाई एक बकरी के पेट से पैदा होने वाला बकरा या बकरी ही होगा, तो एक मुसलमान माँ के पेट से पैदा होने वाला या वाली मुसलमान ही होगा। इसमें तो कोई हाथी घोड़ा वाली बात नहीं है, इसमें तो कोई तीर मारने वाली बात नहीं है, पर पैदा होने के बाद हमने अपनी कम्युनिटी, हमने अपनी सोसाइटी, हमने अपने राज्य, हमने अपने देश के लिए क्या कर्तव्यों का पालन किया है, ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपके इस चैनल के द्वारा मैं कहना चाहूंगी, रखो ना दाढ़ी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इवन किसी को कोई दिक्कत नहीं है, दाढ़ी रखो, टोपी पहनो, उटंगा पैजामा पहनो, लंबा कुर्ता पहनो, और साथ साथ चटाई लेकर के घूमो, और साथ साथ तुम अपने इस्लाम को लेकर के चलो, और साथ साथ तुम जाहिल भी रहो, क्योंकि मुसलमानों को जाहिल रहने का बहुत शौक रहता है, तो जाहिल भी रहो, लेकिन उस लिबास और उस हुलिये के अंदर हम हाफिज सईद बर्दाश्त नहीं करेंगे, भारत में याकूब मेमन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अजमल खसब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप अपने हुलियों को जैसे रखना चाहते हैं आप रखिए। अब जैसे देखिए असदुद्दीन अवैसी, दाढ़ी रखा हुआ है, टोपी पहनता है, 48 डिग्री गर्मी में भी शेरवानी पहनता है, 48 डिग्री की गर्मी, और दिल्ली की गर्मी मुजफ्फर भाई इतनी अजीब होती है, हम लोग तो कोट से तुरंत कोट निकालते हैं, वेस्ट कोट निकालते हैं, फिर शर्ट में घूमना पड़ता है, इतनी अजीब गर्मी होती है, और उसमें वो शेरवानी मोटा मोटा पहना रहता है क्योंकि उसका वो यूनिफॉर्म है, तभी लोग उसको समझेंगे कि ये मुस्लिम नेता है, जी मुसलमान का नेता है, ये उसका यूनिफॉर्म है, ठीक है पहनो, पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन करके तुम भारत के संविधान के खिलाफ हम लोग जाने नहीं देंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें उन्होंने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, और जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है, जिसमें आपने देखा कि कतर ने कैसे भारत के 8 नेवी ऑफिसर्स को रिलीज कर दिया, जो कि कुछ दिन पहले तक काफी एक असंभव काम नजर आ रहा था, और खासकर जो भारत सरकार के विरोधी हैं, जो मोदी विरोधी हैं, वो यही कह रहे थे कि भारत सरकार का एक बहुत बड़ा फेलियर है कि भारत सरकार उन 8 नेवी ऑफिसर्स को रिलीज नहीं करवा पा रही, पर अब उनके मुंह पे ताला लग चुका है। बाकी इस पूरे इवेंट के लिए मैं भारत सरकार को और खासकर मोदी जी की पूरी टीम, चाहे हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब हो या हमारे NSA अजीत डोवल साहब हो, इन सबको बहुत सारी बधाई और बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहता हूं। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे, जय हिंद जय भारत।